सारा प्रणाम। प्राइम लाइन में आपका स्वागत है, मैं हूं भूपेश कोहली। अगले आधे घंटे के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे कांग्रेस की भारत बचाओ रैली की, जहां राहुल गांधी ने आक्रामक अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, लेकिन यह निशाना भारतीय जनता पार्टी को लगने के बजाय उनके ही सहयोगी शिवसेना को लग गया। सावरकर पर दिया गया राहुल गांधी का बयान महाराष्ट्र की सियासत में क्या असर ला सकता है, हम इस बात की भी पड़ताल करेंगे। साथ ही नागरिकता संशोधन बिल के विरोध को लेकर आज क्या कुछ हुआ, इस पर भी नजर डालेंगे। वहीं ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नामी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अब किसका दामन थामा और उसका क्या असर दिखेगा, क्या वो जेडीयू के साथ छोड़ने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे की, जहां हम जानेंगे कि गंगा कितनी अविरल और निर्मल हुई। प्राइम नाइन में इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और इन खबरों पर हमारे संवाददाताओं की फौज भी पूरे देश से हमारे साथ जुड़ेगी। तो शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल प्राइम नाइन में। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित भारत बचाओ रैली में राहुल गांधी ने आक्रामक अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी के माफी मांगने वाले सवाल पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि उनका नाम राहुल सावरकर नहीं है जो माफी मांगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से डरता नहीं है और देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, पूरी दुनिया उनकी ओर देख रही है। हमारी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था थी, लोग दुनिया का भविष्य चीन और भारत को बोलते थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया और नोटबंदी करके लाखों करोड़ों रुपए कुछ उद्योगपतियों को दे दिए। पार्लियामेंट में कल कहा बीजेपी के लोगों ने, आपने भाषण दिया, भाषण के लिए माफी दीजिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। और इस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ कहा, देखिए। देखिए, राहुल गांधी जी हजार जन्म भी ले लेंगे तो वो राहुल सावरकर बन ही नहीं सकते हैं। सावरकर वीर थे, सावरकर देशभक्त थे, सावरकर बलिदानी थे। राहुल गांधी अनुच्छेद 370 पे, एयर स्ट्राइक पे, सर्जिकल स्ट्राइक पे, CAB पे जो जुबान बोलते हैं वो जुबान पाकिस्तान का होता है। इसलिए राहुल ना तो कभी वीर हो सकते हैं, ना कभी बलिदानी हो सकते हैं और ना ही देश के हित में चिंतन करने वाले वीर सावरकर की बराबरी कर सकते हैं। हाँ, अगर राहुल गांधी जी नया नाम चाहते हैं तो आज से भारतीय जनता पार्टी BJP राहुल गांधी को राहुल थोड़ा शर्म कर के नाम से पुकारेगी, थोड़ा शर्म कर। समय संवाददाता रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश, अगर भारत बचाओ रैली की बात करें तो दिल्ली के रामलीला मैदान में थी, अलग तेवर में राहुल गांधी नजर आए, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, निशाना साधा गया, भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन? बिल्कुल, अगर भूपेश आप देखें पूरे कार्यक्रम के दौरान जिस तरह कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना की और उसके बाद जो सावरकर का बयान आया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये तीखा आरोप था सावरकर जैसे बलिदानी को, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि इस तरह के हमारे देशभक्तों को इस तरह से नहीं घसीटा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर राजनीति में हमारे उन जो राष्ट्र के लिए बलिदान दिए, जिनके बलिदान के बदौलत आज आजादी मिली हमें, ऐसे लोगों पर राजनीति कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर गिरने का संकेत देता है। और उसके बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया वो भी कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला है। तो आरोप प्रत्यारोप का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और जिस तरह विपक्षी दल आक्रामक होते जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है। और आने वाले दिनों में जो परिणाम आएंगे, चाहे वो झारखंड चुनाव हो, चाहे 2 महीने बाद जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव होंगे, दोनों के परिणाम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिरता पर
पर या तो प्रशिक्षण लगाएंगे और या तो उसे मजबूती प्रदान करेंगे। जिन जिन निर्णयों पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कहते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे तिपर तलाक का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, तमाम वो मुद्दे आज नागरिकता संशोधन बिल के पास होने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने जो वादे हैं जो उन्होंने अपने किया था उस पर वो इन्हीं सब को लेके जो इस तरह कांग्रेस ने आज रैली की और जिस तरह तीखा आरोप किया उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बताएं, भारतीय जनता पार्टी की भी रैली है, ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी खुद कमान संभालेंगे और दिल्ली के इसी मैदान में कुछ ही दिनों के बाद शंखनाद करने वाले हैं। बिल्कुल, लगातार इस तरह का होता रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों से मान के चल रही है कि ये नीतियां राष्ट्र के मजबूत बनाती है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति डगमगाई हुई है, पर उनका कहना है कि विश्व की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें भी स्लो डाउन चल रहा है, इस नाते उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर है। पर जब भारत के उद्योगपतियों से बात होती है और उन लोगों से बात होती है जो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के संकट से गुजर रहे हैं, तो ये लगता है कि भारत अपनी आर्थिक स्थिति में बहुत ही धीरे पिछड़ रहा है और जो स्लो डाउन है, जिस तरह सुब्रमण्यम का बयान आया जो कि पहले के मुख्य आर्थिक सलाह थे 2014 में, उनका कहना था कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो आईसीयू में चली गई है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। पर जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से बात होती है तो उनका कहना है कि हम इस स्थिति से उबर जाएंगे, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ जाएगी। अर्थव्यवस्था पर निशाना साधना था, बेरोजगारी पर निशाना साधना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का जाल बुनती है, राहुल गांधी और कांग्रेस उसमें फंस जाते हैं। अब माफी 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 इसी को लेकर रट लगा रखी है कांग्रेस ने, कोई और नीति निर्माण की बात नहीं हो रही। बिल्कुल भूपेश, आप जैसा देखें कि जिस तरह से संसद भवन में जिस तरह से स्मृति ईरानी ने जितने तीखे तेवर पे, अगर आप राहुल गांधी के पूरे उस भाषण को सुने तो उसमें कहीं भी इस तरह की बातें नहीं कही गई थी कि आप लोग भारत आइए और बलात्कार कीजिए। तो इस तरह भारत, इस तरह जो भाषण को तोड़ मरोड़ के दिखाने की जो परंपरा है, जो प्रथा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति के जो स्तर है उसको और लगातार गिरा रही है। और इसी का परिणाम है कि आज जितने तीखे तेवर पर दिख रहे थे राहुल गांधी, और उन्होंने जिस तरह कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, ऐसा माना जाता है कि सावरकर ने कभी माफी मांगी थी, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेके। पर अगर आप देखें, आज शिवसेना के संजय राउत ने अपने ट्वीट में कहा है कि सावरकर बलिदानी थे, क्योंकि सावरकर को लेके ही महाराष्ट्र के चुनाव में बड़ा दाव खेला गया था, एक बड़ा पत्ता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनती है तो सावरकर को भारत रत्न दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सावरकर के मुद्दे पर शिवसेना और कांग्रेस की जो दोनों दृष्टियां हैं अलग अलग हैं, और इसका परिणाम कहीं ना कहीं उस गठबंधन पर भी उसका असर दिखाई देगा आने वाले दिनों में। भूपेश, बहुत शुक्रिया रमेश हमसे बातचीत करने के लिए। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान का असर महाराष्ट्र की सियासत पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। उनके बयान पर महाराष्ट्र में उनके सहयोगी शिवसेना ने एतराज जताया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कह दिया कि सावरकर सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे देश के देवता हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सावरकर के नाम पर देश को गर्व है और गौरव है। नेहरू गांधी की तरह सावरकर ने भी स्वतंत्रता के लिए जीवन का संघर्ष किया, ऐसे हर देवता का सम्मान होना चाहिए। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हम पंडित नेहरू महात्मा गांधी को मानते हैं, आप वीर सावरकर का अपमान न करें, समझदार को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि शिवसेना राहुल गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस हाईकमान से शिकायत भी करने वाली है। समय संवाददाता इम्तियाज अजीम हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज, दोस्ती मजबूत होने जा रही थी तभी बीच में तलखियां दिखाई देने लगी, और ये एक बड़ा मुद्दा शिवसेना के लिए जिसको उठाया। देखिए, जो जिस तरह की जो भाषा यूज की है संजय रावत ने, उससे एक चीज साफ होती है कि इन्होंने बहुत तीखे बाण नहीं छोड़े, एक जो मर्यादा है उसको मेंटेन किया है, जो रिश्ते शिवसेना और कांग्रेस के बने हुए हैं उसको मेंटेन करने की कोशिश। नेहरू और महात्मा गांधी की इज्जत करता हूँ, और वीर सावरकर जो है महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नायक है, उन्होंने भी जो है अपना बलिदान दिया था इस आजादी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अगर आप कंपेयर करेंगे देवेंद्र फडणवीस के ट्वीट से, अगर आप जो है कंपेयर करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस ने बिल्कुल खुले तौर पे जो तीखे तीर छोड़े संजय जो राहुल गांधी के ऊपर, उन्होंने साफ साफ बोला था कि वो वीर सावरकर
बिल्कुल तीखे जो वार थे उन्होंने किए, लेकिन संजय रावत ने उसकी मर्यादा को कहीं ना कहीं जो है मेंटेन किया। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, इस तरह से जो अब जो जिस तरह से जो अब वार प्रतिवार जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं जो अगर ये बात आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ये रिश्ते जो हैं वो खटाई में जरूर पड़ सकते हैं। जी, आला कमान से राहुल गांधी की शिकायत करेंगे, इस बारे में क्या अपडेट? देखिए, ये अभी से खबर है, इस पर कोई अपडेट नहीं, अभी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आई कि आलाकमान से जो राहुल गांधी की जो शिकायत की जाएगी। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये मुद्दा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी चर्चा जरूर होगी शिवसेना और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि यहाँ पर तल्खियाँ पैदा हो रही हैं कांग्रेस और शिवसेना के बीच में। तो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सफाई जो है कल सुबह तक आने के पूरे चांसेस हैं। जी इम्तियाज, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी परिसर में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी और 5 जनवरी तक छुट्टियां कर दी गई हैं। हालांकि देर शाम तक जामिया के छात्रों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर छात्र यहां विरोध कर रहे थे। उधर पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन जारी है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने पिछले 48 घंटों में ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया था, सड़कों को जाम किया था, पुलिस पर पत्थर फेंके थे, हिंसक ये प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था, बैरिगेटिंग की थी, लाठी चार्ज किया था। परीक्षाएं स्थगित करने की जब बात सामने आई तब छात्रों को समझने में आया कि अगर परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं तो उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी, भविष्य अंधकार में जाएगा। इसलिए आज शाम को बताया जा रहा है कि अपना प्रदर्शन उन्होंने वापस ले लिया। इसी मुद्दे पर समय संवाददाता रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश, सीएबी को लेकर विरोध प्रदर्शन था, बताया जा रहा है कि जामिया के स्टूडेंट्स ने आज शाम को अपना प्रोटेस्ट खत्म करने की बात की, परीक्षाएं समय पर होंगी, इस बारे में कोई जानकारी? जैसा कि कैब को लेकर पूरे उद्नार्थ इसके बाद पश्चिम बंगाल के पास अब दिल्ली में भी छात्रों ने उसका धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही साथ बता दूं कि पत्रकारों के साथ भी हाथापाई की, छात्रों ने छात्र जब उग्र हुए तो पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं आंसू गैस के गोले और ये उग्र प्रदर्शन कहीं ना कहीं कैब को लेकर जो एक धारणा बनी रही है पूरे देश में, खासकर एक वर्ग में, एक समुदाय में, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समझने का फेर है। ये कैब की जो राजनीति है, 35 सालों से लटका हुआ मामला था जिसे अब जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार ने उसे लागू किया। और उसके बाद जिस तरह से पूरे, अगर आप देखें, आज पश्चिम बंगाल में हिंसक प्रदर्शन हुआ, 10 बसें जला दी गई और यहां तक कि वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी अपील करनी पड़ी कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, पश्चिम बंगाल में कैब लागू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, आने वाले दिनों में वो राजनीति और उग्र होने की आशंका है। जिस तरह से आप देखें नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में जिस तरह से हत्याएं हुई, जिस तरह से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बताएं भूपेश। रमेश, समझना ये चाहेंगे कि छात्रों का आगे की रणनीति क्या रहेगी आने वाले दिनों में। कल इतवार है और उसके बाद सोमवार मंगलवार जब विश्वविद्यालय खुलेगा, यूनिवर्सिटी खुलेगी, तब क्या लगता है कि एक बार फिर से दोबारा छात्र सड़कों पर उतरेंगे या अब उन्होंने अगर कह दिया है परीक्षाएं थी वो चल रही थी उसको इस समय रोक दिया गया है। छात्रों का कहना है कि हम तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक कि ये वापस नहीं लिया जाता और लगातार वो उग्र प्रदर्शन करने पे हैं। उनकी आगे की रणनीति, जैसे ही विश्वविद्यालय सोमवार को खुलेगा वो फिर सड़कों पे उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन जारी करेंगे। उनका जो मार्च था वो संसद तक था पर पुलिस ने वहां रोक दिया और जैसे ही रोका पुलिस ने वैसे ही जो छात्र थे उग्र हो गए। उग्र होने के बाद छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और उसमें कुछ छात्र चोटिल हुए। पर जो सबसे बुरी खबर आई है भूपेश, मैं बता दूं कि जो पत्रकारों से के साथ छात्रों ने हाथापाई की वो कहीं ना कहीं छात्रों राजनीति का सबसे गिरा हुआ स्वरूप प्रकट करता है कि एक छात्र, एक बुद्धिजीवी जो समाज के लिए, आज आने वाले समय में समाज के लिए एक विशाल बनने की योजना में है, तैयारी में है, वो जब जो पत्रकार है जो देश की सच्चाई को, जनता की बातों को सामने लाना चाहते हैं, जब उनसे हाथापाई होती है तो कहीं ना कहीं छात्रों का एक ऋणात्मक चेहरा, एक माइनस चेहरा दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया रमेश इस जानकारी के लिए। जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान का काम प्रशांत किशोर की संस्था आईपैक को दिया गया है। इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि अब की बार 67 बार
आपको बता दें कि जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बागी तेवर अपनाया था और लगातार बिल के विरोध में ट्वीट कर रहे थे। इस पर जेडीयू के कई नेताओं ने उन्हें पार्टी छोड़ने की नसीहत तक दे दी थी। वहीं प्रशांत किशोर ने शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, उन्होंने हमें बुलाया था। उन्होंने कहा कि एनआरसी पर हमें अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी अगर एक साथ हो जाता है तो खतरनाक है। जेडीयू नेताओं की बयानबाजी पर प्रशांत किशोर ने कहा कि वो सभी पार्टी के बड़े नेता हैं, कौन क्या बोलता है हम उसकी परवाह नहीं करते। हमने मुख्यमंत्री से मिलकर सब बात बता दी है, फैसला लेना उनका काम है। खबरों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के सामने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी। पटना से रंजन कुमार मंगलम हमारे साथ मौजूद है। रंजन, गठबंधन इन दोनों का टूट गया जो इनके बीच में कड़ी थी, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने रास्ता अख्तियार कर लिया, अलग से अरविंद केजरीवाल के खेमे में आ गए, जेडीयू को बाय बाय कर दिया, ये फाइनल है या अभी कोई गुंजाइश बाकी है? देखिए, हमें नहीं लगता है कि अभी गठबंधन टूट गया है। जिस तरीके से दोस्ती नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर जी की थी, इसमें अभी भी कुछ कह पाना मुश्किल है। चूंकि जब आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर बाहर निकले, मीडिया के सामने आए प्रशांत किशोर, तो हम लोगों ने यह भी उनसे जानना चाहा कि भाई आप जेडीयू में के साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं, और आपकी कंपनी जो आईपैक है वो मदद करती है या फिर आने वाले विधानसभा के चुनाव में दिल्ली में आम आदमी को मदद करने का फैसला लिया है। उन्होंने साफ कहा कि देखिए, वो मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं जेडीयू का नेता हूं, और जहां तक आईपैक की बात है तो वो मेरी कंपनी जरूर है, उसको मैं ओन करता हूं, लेकिन मैं उसका काम नहीं देखता हूं। मेरी कंपनी है, अलग चलती जरूर है, अलग काम करती, अपने तरीके से काम करती, उसका एजेंडा काम करती है। जहां तक नाराजगी की बात कहें तो उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जिस तरीके से एनआरसी कैब के सवाल आए थे, तो मेरा जो अपना विचार था हमने रखा था, और सिर्फ हमने अपना विचार नहीं रखा था, लगभग पार्टी का भी स्टैंड जो था वो सीएबी पर और एनआरसी पर यही था, और इसीलिए हमने कहा था कि पार्टी को विचार करना चाहिए। तो मैंने एक अच्छा सिपाही होने के नाते, एक पार्टी का नेता होने के नाते, मैंने अपने नेतृत्व को ध्यान दिलाने का प्रयास किया था, और आज फिर मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर के भी कहा है कि देखिए, जो पार्टी का पुराना स्टैंड है वो उस पर कायम रहना चाहिए, और एनआरसी और सीएबी जब एक साथ होंगे तो देश के लिए घातक होंगे। तो उन्होंने साफ कहा कि खुलकर मैंने अभी भी कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और मेरा स्टैंड अभी भी वही है एनआरसी और सीएबी पर जो पहले था। तो अब जिस तरीके के बयान उनके खिलाफ आए कि जो लोग अनुकंपा के आधार पर आए, आरसीपी ने कहा था, तो उन्होंने इसकी भी शिकायत की है मुख्यमंत्री से कि आखिर ऐसे बयानबाजी क्यों हो रहे हैं। आखिर जब विचार रखने की स्वतंत्रता है तो हमने अपना पक्ष रखा, जो पार्टी का भी स्टैंड था, तो इन चीजों को रखा, और फैसला लेना अब नीतीश कुमार जी के हाथ में। आईपैक के बारे में उन्होंने स्वीकार किया कि मेरा जो कंपनी है वो जरूर काम करेगी, और ऐसे अन्य राज्यों में भी काम किया है, तो इससे और मेरे जो दल से जुड़े होने का जो काम है। जनता दल यूनाइटेड के कुछ तमाम बड़े नेताओं, दिग्गज नेताओं ने काफी टाइम पहले यह कह दिया था कि पीके का रास्ता अलग हो रहा है, वो पार्टी लाइन से हटकर बातें कर रहे हैं, अपनी उनकी निजी राय हो सकती है, मुख्यमंत्री को बहुत जल्दी फैसला करना चाहिए। क्या अब भी बात बन सकती है या अलग अलग रास्ते? हमें लगता है कि इतना जल्दी दोस्ती जो है नहीं समाप्त हो पाएगा, चूंकि और ऐसे दो मौके आए हैं जिस पर भी उन्होंने ये अपना एक अलग विचार रखा था, और उस वक्त भी इस ढंग के मतभेद हुए थे, जो कि प्रशांत किशोर ने कहा था गठबंधन तोड़ने के सवाल को लेकर के भी अपना विचार रखा था, उस वक्त भी नाराजगी हुई थी। बावजूद इसके नीतीश कुमार जी उनको अपने दल से बाहर नहीं किए, और जो सम्मान था वो लगातार देते रहे। तो लगता है कि ये इनकी जो हाल के दिनों में जिस तरीके से आरसीपी ने हमला बोला था उसको इन्होंने शिकायत के रूप में रखा है मुख्यमंत्री के सामने, लेकिन थोड़ा सा गठबंधन टूटेगा कि नहीं टूटेगा इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया रंजन हमसे बातचीत करने के लिए।
कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा की और इस योजना का असर देखने के लिए प्रधानमंत्री गंगा में नौका पर सवार हुए। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत इस परियोजना से जुड़े सदस्य उनके साथ रहे और उन्हें इस बारे में जानकारियां देते रहे। नौकायान में वो सीसामऊ नाले तक गए, जिसे हाल ही में निर्मल बनाया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय में नमामि गंगे प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और राम मंदिर मुद्दे के समाधान के बाद केंद्र सरकार के एजेंडे पर अब गंगा की सफाई का मुद्दा प्राथमिकता पर है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की कानपुर यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह कानपुर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने उनकी अगुवाई की। उन्होंने हेलीकॉप्टर से चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय जाकर नमामि गंगे प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए समय संवाददाता संजीव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, क्या कार्यक्रम रहा और अब लगता है बहुत ऊंची छलांग लगाई है गंगा को साफ करने की परियोजना ने और शायद ये प्रधानमंत्री की अब प्रायोरिटी लिस्ट में होगी? बिल्कुल, आज जो है नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक है और इसकी अध्यक्षता जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस बैठक में जो है 5 राज्यों के मुख्यमंत्री को आना था, जिसमें की 2 राज्य के मुख्यमंत्री और जबकि 1 राज्य के उप मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने जो है गंगा के इस हद तक सफाई हो चुकी है, उन्होंने इस बात को प्रधानमंत्री के सामने रखा। वही जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बताया कि गंगा नदी का प्रवाह सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है और नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत जो है उत्तर प्रदेश को 10,341,82,00,000 रुपए जो है की योजना स्वीकृत की गई थी, जिसमें की 1,292,00,000 की परियोजनाएं जो है पूर्ण हो चुकी है, जबकि जो 7 परियोजनाएं हैं उनको 2020 तक पूरा किए जाने के लिए रखा गया है। और इस मौके पर जो है प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो योजनाएं हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जो गंगा नदी है उसको स्वच्छ किया जाए, क्योंकि कानपुर से सबसे ज्यादा जो टेंडी और इसके अलावा जो सीतामऊ नाला जो कि 128 साल पुराना नाला है, इसे जो है प्रतिदिन 140 करोड़ लीटर जो है पानी गंगा में प्रदूषित पानी जाता था, तो उसको रोकने पे उन्होंने बधाई दी राज्य सरकार को, इसके अलावा जो है कानपुर प्रशासन को, और साथ ही ये भी कहा कि जो अन्य नाले हैं उनको भी जल्द से जल्द तय किया जाए और साथ ही जो टेंडियां हैं उनको शहर से बाहर जो है स्थापित किया जाए ताकि उसके जो प्रदूषित पानी है वो गंगा नदी में ना गिरे। इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी कहा कि जो उद्योग हैं उनको जो है वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए जिससे कि जो विकास कार्य है वो हो सके। और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री अटल घाट पहुंचे और वहां से जो है नौका विहार से जो है सीसामऊ नाला गए, वहां पे सीसामऊ नाले को देखा जिसकी की टैपिंग की जा चुकी है, उसको देखते जो है उन्होंने कहा कि इसी तरह से और नालों की टैपिंग की जाए। उसके बाद वापस जो है वो अटल घाट आए और वहां से जो है सीएसए यानी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंचे और फिर दिल्ली के लिए रवाना हुए। आज की जो बैठक थी उसमें कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये पहली बार बैठक उत्तर प्रदेश में हुआ है तो निश्चित तौर से गंगा की सफाई के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं और जो अहम कदम उठाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं, तो उसके बाद निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में जो गंगा का प्रवाह सबसे ज्यादा है तो निश्चित तौर से जो गंगा की सफाई है उसमें अन्य सुधार होगा और साथ ही जो परियोजनाएं हैं उसको 2020 तक पूरी कर ली जाएगी। संजीव, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि गंगा की सफाई को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा से तत्पर रहे हैं, उन्होंने पहले भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कई परियोजनाओं को रखा और उसकी मॉनिटरिंग भी की, लेकिन अब प्रधानमंत्री अब इसको राम मंदिर का जब फैसला आ चुका है, देश में भव्य राम मंदिर बनाने की बातें सामने आ रही हैं, अब प्रायोरिटी पर गंगा की सफाई, ये प्रधानमंत्री का एक बड़ा मिशन हो सकता है, सरकार का एक बड़ा मिशन हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, सालों में। फिलहाल आज प्राइम नाइन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाज़त, सहारा।